हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून. जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, आज की क्लास इज इट टिल 5:30 और 4:30? लाइक डू यू हैव एनी क्लास आफ्टर दिस? अच्छा, 5 o'clock यू हैव अ क्लास. ठीक है, आई वाज आल्सो अंडर द कंफ्यूजन. मेरे भी टाइम टेबल में 3 till 5:30 लिखा था. आई वाज लाइक कि ओके, ऑलराइट. एनीवेज, गुड आफ्टरनून खुशी. या हाय पृथ्वीराज, हाय रुद्र, गुड आफ्टरनून एवरीवन. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को रियल गैस का पार्ट समझाया था, राइट? एंड इन दैट वंडरवॉल इक्वेशन कैसे डेवलप करा जाता है वो हमने सीखा था. एंड मैंने आपको इसमें क्या क्या पार्ट इम्पॉर्टेंट था एक्सेप्ट फॉर द डेरिवेशन, राइट, वो सब आपको बताए थे. एंड बेस्ड ऑन दैट वी अंडरस्टूड द वंडरवॉल्स इक्वेशन, राइट? इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, वंडरवॉल इक्वेशन के ईच टर्म को एक्सप्लेन करना इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट. एंड देन ए एंड बी जो वंडरवॉल के पैरामीटर्स थे, इन पे खास ध्यान रखना. बी क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, हाउ इज इट रिलेटेड और हाउ डज इट वेरी फ्रॉम गैस टू गैस. ए क्या रिप्रेजेंट करता है एंड हाउ डज इट वेरी फ्रॉम गैस टू गैस, राइट? ये वाला पार्ट लास्ट में मैंने कवर किया था. दिस वॉज समथिंग इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ऑल राइट. हाँ पृथ्वीराज, क्या कह रहे हो तुम? यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज इन अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ पीरियोडिक. हाँ, तो अपना डाउट लेक्चर रहेगा ना अभी इस वीक, आई थिंक ऑन थर्सडे है. तो यू ब्रिंग अप दोज इश्यूज, विल ट्राई एंड एड्रेस देम. ठीक है. देन यश, यू हैव स्मॉल डाउट. क्या स्मॉल डाउट है यश तुम्हारा? एट हाई प्रेशर पी रियल इज ग्रेटर देन पी आइडियल. हाँ हाँ, राइट. तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे तब, ठीक है. मैं इनफैक्ट उसके बारे में आज बात करने वाला हूँ. ये एक डाउट आपका, इट्स अ गुड डाउट. ये जनरली आता है स्टूडेंट्स को हु ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम अ वेरी फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू. एंड द वे इन विच आई हैड डिस्क्राइब्ड, आपको ये डाउट आना चाहिए था. तो इट्स अ गुड थिंग दैट यू आर ऑन द सेम पेज एज मी. मैं आज एक्सप्लेन करूँगा आपका ये डाउट, ठीक है. देन पार्थ का डाउट है, हाउ मच पार्ट ऑफ जे केम इज आउटसाइड एनसीईआरटी. एनसीईआरटी के तो काफी बाहर है, मतलब एनसीईआरटी इज अ गुड गाइडलाइन बट नॉट रियली समथिंग विच इज लाइक द लिमिटेशन टू आवर सिलेबस. थोड़ा उसके बाहर भी पढ़ना ही पड़ता है. अच्छा, ए एंड बी, ये अपन ने लास्ट क्लास में समझा था ना, वैन डर वाल पैरामीटर ए एंड बी. क्या था इसमें? ए वाज समथिंग विच वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड बी वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? सो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ बी, हमने रिलेशनशिप भी देखा था बी एंड साइज ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में. ग्रेटर द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ बी. एंड ए के बारे में हमने बोला था इट रिप्रेजेंट्स द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. नाउ अमंगस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, लाइक पोलर गैसेस जनरली हैव ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्सेस देन नॉन पोलर गैसेस बिकॉज ऑफ दीज पार्शियल चार्जेस ऑन देम, ठीक है. एंड अमंगस्ट नॉन पोलर गैसेज, ठीक है, यू कैन सी दैट दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पोलर गैसेज. इसमें ग्रेटर द साइज, ग्रेटर विल बी द अट्रैक्टिव फोर्सेज. इसके लिए मैंने आपको बोला था that we will have to refer chemical bonding, ठीक है. उसमें मैं लंडन डिस्पर्शन फोर्स के बारे में बात करूंगा,
देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस बेटर. ठीक है, तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. अच्छा, देन ये क्विक क्वेश्चन भी उसके ऊपर देख लिया था, साइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट्स. ऑल राइट. हाँ यश, बॉइलिंग पॉइंट पर, नहीं नहीं बॉइलिंग पॉइंट अभी नहीं, ये मैं केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में लूंगा. बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन आपका यश, इट इज नॉट एप्लीकेबल राइट नाउ. I will take up this question when we will be discussing chemical equilibrium chapter. All right. So I hope most of you have joined in. Now let's begin today's discussion. We'll start our discussion with the validation of van der Waals equation. So this is something jo maine aapko last class mein, when we were starting van der Waals equation, aapko bataya tha that the way in which we are going to study real gases is first we will understand their experimental behavior and then write a real gas equation which tries to describe or validate that experimental behavior. So hum logo ne last to last class mein ek real gas ka experimental behavior samajh liya tha kaisa rehta hai, theek hai, and last class mein hum logo ne van der Waals equation bhi derive kara tha, theek hai. Now we are going to quickly understand how that van der Waals equation is going to validate that experimental observation. ठीक है, तो as a quick recap about real gases, ठीक है, you can understand the experimental observation that we are talking about. ठीक है, PV graph पर we understand that under high pressure conditions there is positive deviation. ठीक है, z is more than one. Under low pressure conditions we have negative deviations where z is less than 1, right? And under very very low pressure conditions, as I said, that both these graphs tend to merge with each other, gas tends to show ideal behavior, right? This was an experimental observation which we will try and understand from van der Waals equation, right? I hope you remember the कैलकुलेशन ऑफ जेड. जेड क्या होता था? पीवी रियल अपॉन पीवी आइडियल, राइट? एंड पीवी आइडियल क्या था? एनआरटी, राइट? सो पीवी अपॉन एनआरटी इज समथिंग व्हिच यू कैन डिस्क्राइब एज जेड. ऑलराइट, नाउ लेट्स ट्राई टू यूज वान डर वाल्स इक्वेशन टू वैलिडेट दीज ऑब्जर्वेशंस. सो विल स्टार्ट फर्स्ट विद द लो प्रेशर एंड मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन, यहाँ पे ऑब्जर्व करना. ठीक है, अंडर लो प्रेशर एंड मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन व्हाट वी आर सेइंग इज प्रेशर लो है तो वॉल्यूम हाई रहेगा, राइट? एंड इफ द वॉल्यूम इज हाई, ठीक है, देन एन बी कैन बी नेग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू वी. ठीक है, जो एन बी हमने डिस्क्राइब किया था, volume correction, like that is something which can be neglected because we are in a low pressure region or you can say high volume region. Now if I neglect that, then I can rewrite the van der Waals equation in this way. ठीक है, p plus a n square by v square into v is equal to nrt. ठीक है, जो v minus nb था उसमें nb को neglect कर दिया, just v लिख लिया यहाँ पर. ठीक है, now अगर मैं वन मोल के बारे में बात करूँ तो आई कैन रिप्लेस एन विद वन एंड आई कैन रिप्लेस वी विद वी एम. वी कॉल दिस एज मोलर वॉल्यूम. ठीक है, तो ये इक्वेशन कैसा लिखने में आएगा? पी प्लस ए बाय वी स्क्वायर वी एम स्क्वायर इंटू वी एम इज इक्वल टू आर टी. ठीक है, दिस इज फॉर वन मोल दैट वी आर ट्राइंग टू डू आर कैलकुलेशन. थोड़ा सा ओपन करेंगे ब्रैकेट को, विल मल्टीप्लाई दीज टर्म्स. ठीक है, डू सम यू नो रीजेग ऑफ टर्म्स हियर एंड देयर. ये ए अपॉन बी एम को मैं राइट हैंड साइड लेके चला जाऊंगा. ठीक है, और आई कैन से फर्स्ट आई विल मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स और आई वुड डिवाइड बोथ द साइड्स बाय आर टी. तो ये पी वी एम बाय आर टी आ जाएगा, ये ए अपॉन वी एम आर टी हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड पे वन आ जाएगा, राइट? एंड दिस वी एम बाय आर टी, ठीक है, पी वी एम बाय आर टी, this is something which we can write as z. So you can see
आई कैन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ जेड एज वन माइनस ए अपॉन वी एम आर टी. दिस इज समथिंग विच इज लेस देन वन. And this is what was the experimental observation also, right? That under low pressure conditions, Z will be less than one, will have negative deviation. So we can see how Van der Waals equation is also giving an indication. Okay, it is giving that Z is equal to one minus A upon RTVM. It is less than one. Okay. So this is one experimental observation being validated by Van der Waals equation. ठीक है. अब notice करना under high pressure conditions. ठीक है, ये हमारा दूसरा observation था. ठीक है, that under high pressure conditions the Van der Waals equation should predict that z has to be less than or z has to be more than one. ठीक है. इतने पार्ट में किसी को कुछ डाउट आया है? लाइक ये वाला पार्ट में आपको यश डाउट है दैट हाउ कैन वी राइट z इज इक्वल टू pvm बाय rt, बिकॉज़ दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ z ना. z वाज pv रियल अपॉन pv आइडियल एंड pv आइडियल इज nrt. अभी समझ में आया? राइट. इतने पार्ट में किसी को कुछ कंसर्न है? एनीथिंग यू हैव अ डाउट इन? ऑलराइट, ठीक है. नेक्स्ट नोटिस करना है यहां पर अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस. ठीक है, अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस यू हैव यू नो मॉडरेट टेम्परेचर. How is Van der Waals equation going to give us z greater than one? यहाँ पर observe करना. अभी यहाँ पर pressure मैंने high बताया है, ठीक है. So this a n square by v square can be neglected with respect to p. Right? We are working with high pressure conditions, ठीक है. Definitely आपके दिमाग में doubt आ रहा होगा that like आप कह रहे हो दिस इज कैन बी समथिंग विच कैन बी नेग्लेक्टेड, बट हाउ डू वी नो? राइट. सो राइट नाउ डेफिनेटली दैट स्केप्टिसिज्म इज कंप्लीटली अंडरस्टूड बिकॉज आई एम नॉट सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ओवर हियर. ठीक है, इफ यू हैव यू नो ए का वैल्यूज, वी का वैल्यूज एंड पी का वैल्यूज, यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ यू नो दिस टर्म विल कम आउट टू बी नेग्लिजिबल. राइट, सो दिस इज समथिंग which is you know particularly true when we are talking about high pressure conditions. ठीक है, अब high pressure conditions में हम लोग ये pressure correction को a n square upon v square को neglect कर सकते हैं with respect to p. So what does this come out to be? The modified form of Van der Waals equation p into v minus nv is equal to nRT. Right, now in this situation, ठीक है, अगेन फॉर वन मोल वी कैन रिप्लेस एन विद वन एंड वी बाय वी एम. ठीक है, विल गेट पी वी एम पी इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी. विल जस्ट ओपन अप द ब्रैकेट्स, ये पी वी एम माइनस पी बी हो जाएगा इज इक्वल टू आर टी. एंड देन अगेन ये पी बी को राइट हैंड साइड लेके जा सकता हूँ. आई विल डिवाइड बोथ द साइड्स बाय आर टी अगेन. तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? पी वी एम बाय आर टी, एंड दिस विल बिकम वन प्लस पी बी बाय आर टी. Right, so z will come out to be equal to 1 plus pb by rt, and because this is 1 plus something, we can definitely say that z is greater than 1. So this is again Van der Waals equation predicting the kind of behavior that a real gas would show under these different conditions. ठीक है, नाउ डेफिनेटली अब आपको ये डाउट आएगा दिमाग में दैट हाउ डू वी थिंक ऑफ इट, हाउ डू वी डिराइव दिस. लाइक सो प्लीज ध्यान से समझना, एज अ पर्सन हु इज लुकिंग एट दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज नॉट एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी दैट यू वुड नो दीज स्टेप्स. ठीक है, यू वुड नो दीज स्टेप्स टू बिगिन विद. ठीक है, नाइदर दीज स्टेप्स.
यहाँ पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू इज दैट एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर इज बीइंग वैलिडेटेड बाय वैन डर वाल्स इक्वेशन व्हेन वी मॉडिफाई और वी काइंड ऑफ यूज वैन डर वाल इक्वेशंस अंडर दोज गिवन कंडीशंस एंड दीज स्टेप्स आर समथिंग विच ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से सोच लिया या मुझे खुद से आ गए थे ठीक है इन द फर्स्ट प्लेस दिस इज समथिंग विच आई ऑल्सो स्टडीड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट okay that this is how it is being explained and then it made sense that okay if we do these things in a step by step logical manner then we do get z less than 1 we do get z greater than 1 under those conditions that we have started these manipulations with theek hai to ye part aapko samajh mein aaya ठीक है, ऑल राइट सो आई हैव अ डाउट फ्रॉम पार्थ आस्किंग व्हाट इज जेड पार्थ तुम बहुत टाइम से क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो क्या हाँ तो लास्ट टू लास्ट क्लास में भी हमने जेड का डिस्कशन किया था जेड इज नॉट समथिंग विच वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास इट वॉज लास्ट टू लास्ट क्लास हाँ तो इसीलिए पढ़ के आओ ना पढ़ के नहीं आओगे क्लास अटेंड नहीं करोगे तो फिर इस तरीके से आई विल नॉट बी एबल टू रिपीट ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव नॉट स्टडीड लाइक समथिंग एज सिंपल एज व्हाट इज जेड इज नॉट यहाँ पे हाँ लाइक जैसे यश कह रहा है जेड इज एटॉमिक नंबर तो तुम ये मान के आगे बढ़ जाना लक्ष्मी कह रही है जेड इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑलराइट हाँ सो पूर्णा एब्सोल्युटली राइट हाँ हाँ आई कैन अंडरस्टैंड आज था मतलब वेरिएबल्स की थोड़ी कमी हो गई थी लाइफ में Z को इतनी बार यूज एंड अब्यूज करा जा रहा है दैट इट हैज बिकम अनोइंग आई अंडरस्टैंड सो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में Z वाज द एटॉमिक नंबर इन दिस चैप्टर वी हैव नाउ सीन Z बीइंग यूज्ड ट्वाइस वन फॉर कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड नाउ फॉर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हाँ वो जेड इफेक्टिव जेड तो अच्छा हाँ हमने पीरियोडिक में भी नोटिस किया ही था बट पीरियोडिक और एटॉमिक वाला जेड वाज सेम ओनली दैट्स ओके हाँ इस चैप्टर में जेड विल बी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर समथिंग विच कैप्चर्स द नॉन आइडियलिटी ऑफ अ गैस ऑलराइट कमिंग बैक हाँ तो पूर्णा का डाउट है that if we have a high value of n then can we neglect nb or is it just on a molar basis so right now Poorna we are working with molar basis only so as to eliminate that ambiguity theek hai because right now we do not want more and more variables in our calculations hum log simplified understanding develop kar rahe hain theek hai and that is where we are going at a molar basis to you know understand these things and isme definitely ha matlab harsh ka bhi yahi doubt hai and Poorna aapka bhi yahi doubt hoga that like how do we neglect like how are you saying that a n square upon v square theek hai or in fact a upon vm square ठीक है कैन बी नेग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू पी लाइक व्हाई इज इट हैपनिंग और अंडर व्हाट कंडीशंस इज इट यू नो हैपनिंग सो दिस इज समथिंग जिसका अगेन एज आई सेड कि न्यूमेरिकल डिस्कशन में आप लोगों के साथ में नहीं कर रहा हूँ ठीक है दिस इज नॉट समथिंग विच वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग इन अ मोर न्यूमेरिकल कॉन्टेक्स्ट बट दिस इज समथिंग Like if you would want to get an idea, let me see if I can take NCERT.
इसमें मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ इन टर्म्स ऑफ द व्हाट आई मीन बाय हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर. इनफैक्ट शायद मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था, समझाया था, ठीक है. बट यहाँ पर एज अ क्विक स्निपेट, वैसे तो मैं थोड़ी देर में एक ग्राफ आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ, तो यहाँ पर आप नोटिस करना, ठीक है, व्हेन आई से लो प्रेशर कंडीशंस, ठीक है, तो ये लो प्रेशर कंडीशंस का रीजन इज दिस कंडीशन, ठीक है, दिस इज व्हाट इज मेंट बाय लो प्रेशर. लाइक ये 1 ATM, 10 ATM, 20 ATM, 50 ATM, ये सब लो प्रेशर रीजन में ही अभी हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है. हाई प्रेशर रीजन वुड बी समथिंग विच इज यू कैन अंडरस्टैंड लाइक जहां पर जेड ग्रेटर देन वन है, मतलब ये ऐसे 500 ATM, 600 ATM, 700 ATM, इस रेंज में लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द हाई प्रेशर रीजन, ठीक है. तो इनमें जब हम ये कैलकुलेशंस ऑब्जर्व करते हैं विद द ए एंड बी वैल्यूज ऑफ द रेस्पेक्टिव गैसेज, वी आर एबल टू सी सच सिंप्लीफिकेशंस कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है. मैं यही ग्राफ पे एक मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है. आई एम गोइंग टू कम टू दिस ग्राफ इन अ मिनट, ठीक है. जस्ट नोटिस हम लोग गैसेस की तरफ बढ़ेंगे. ऑलराइट, सो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया, अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस वी गेट जेड इज ग्रेटर देन वन, इट इज 1 PV/RT, राइट. सो इफ यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द जेड वर्सेस पी का ग्राफ, ठीक है, ये ऐसा हॉकी स्टिक शेप कर्व का ग्राफ था जो हमने ऑब्जर्व किया था, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था जेड वर्सेस पी का. हाउ इज वंडरवॉल्स इक्वेशन ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट, लाइक अंडर द लो प्रेशर कंडीशंस इट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट जेड इज लेस देन वन एंड इट्स वैल्यू एज पर वंडरवॉल्स इक्वेशन कैन बी डिटरमाइंड एज जेड इज इक्वल टू 1 - A/VmRT. एंड फॉर हायर प्रेशर कंडीशंस, ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड that z is greater than 1 and in this region z is explained by van der waals region as van der waals equation as 1 PV/RT, theek hai. ab yahan par notice karna that yash tumhara jo doubt tha, theek hai, usi ko main yahan par explain karne ki koshish karunga, usko dhyan se samajhna. Give me 1 second, guys. For some reason, kya gadbad hai? फिर से आई वुड नीड टू एक्चुअली रीस्टार्ट माय लैपटॉप. There is some problem which has started coming in. Okay, in the meantime, I am going to drop out of the meeting. So the meeting will be on. Rahega. You will be still inside the meeting. I think your host will be there. But give me a couple of minutes. I will just reboot my system and join back in. Okay.